अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर मैं बना रहा हूँ ये वाला कॉफी टेबल स्लैश सेंटर टेबल, और ये भी पूरा प्लाई से बनाया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे बनाए हैं, तो मिलते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए मैंने प्लाई ले लिया यहाँ पर, और जो सर्कुलर सॉ है उसके यहाँ पर एक मैंने फेंस लगा दिया। जो फेंस है, फेंस मुझे इक्वल कट हमेशा देंगी, जितनी बार भी मैं कट करूँगा मुझे सेम साइज का प्लाई मिलेगा। शुरू करते हैं कटिंग से। तो ये एक लेंथ होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच का है, और इतना ही थिक हमारा टेबल बनेगा, और इसकी फिगर्स कुछ इस तरह दिख रहे हैं। तो कटिंग करके लेते हैं पूरा। प्लाई मैंने कट कर दिया हूँ और उसके 25 प्लाइंस बन गए हैं। अब मुझे जो काम करना है वो ये है कि इसको मैं लेवल में रख के नेलिंग कर देता हूँ। पहले ग्लू अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ग्लू आगे चलकर जो मैं इस गैप्स फिल करूंगा उसके अंदर ग्लू यूज हो जाएगा। ये रहा मेरा नेल गन, और इसको अभी सेट करते हैं और फिर काम स्टार्ट कर। मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 mm के ब्रैट्स, और ये इजीली मुझे इतना पेनिट्रेशन देगा। सबसे पहले मुझे देखना है इसका लेवल, और जो अच्छी साइड है मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा सामने, जो फेस में रहेगी। के अंदर ये कि इसके अंदर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फटाफट नेल कर लेते हैं। पार्ट के लिए मुझे क्लैंप भी यूज़ करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पर जो गैप वो मैं कम कर सकता हूँ और फिर नेलिंग करनी। ये प्रोसेस को मैं ग्लू लगाकर भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता वो, इसलिए मैं ग्लू अभी नहीं लगा रहा हूँ। ये बोर्ड अभी रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर मुझे फाइनल कटिंग करनी है और फिर सैंडिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। अभी नेलिंग कर ये पीस अब रेडी हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर मार्क्स लगाने हैं जहाँ से मुझे कटिंग करनी है। तो वो मार्किंग होने के बाद ये पाइप हम लोग रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे, और सर्कुलर सॉ से 30 डिग्री के अंदर एंगल में, ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल से हम लोग चारों साइड कट कर लेते हैं। कटिंग रेडी हो चुकी है, मैंने साइड से 45 डिग्री के कट्स भी कर दिया हूँ, तो ये इक्वल साइड थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, लेकिन साइड से जो वुडन फिगर आ रही है प्लाई की वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। जैसे यहाँ पे दिख रही है ये फिगर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो कटिंग के टाइम पे मैंने कैमरा बाहर रखा था, क्योंकि सॉडस्ट जो उड़ रही है वो माइक के ऊपर, लेंस के ऊपर, सब जगह पर जा रही थी। अब शुरू करते हैं इसके ऊपर सैंडिंग का काम। पहला राउंड इसके ऊपर 36 ग्रिट से हो चुका है, और सेकेंड राउंड इसके ऊपर अभी होगा वो 80 ग्रिट से। सैंडिंग का एक हाथ हो चुका है, और फिनिशिंग कुछ इस तरह दिख रही है, स्मूथ एकदम। ये जो गैप्स है अब मुझे ये फिल करना है, और गैप्स के अंदर जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने सैंडिंग किया हूँ, उस सैंडिंग का सॉडस्ट है ये मैं इसके अंदर फिल करूँगा पहले, और फिर उसके ऊपर एक क्विक एडहेसिव लगाकर उसको मैं हार्ड कर दूँगा। तो सबसे पहले ये गैप्स के अंदर मैंने पाउडर जो है वो लेयर वाइज इसे फिल कर दिया, ताकि एक लेयर इसका अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए। कुछ इस तरह मैंने फिल कर दिया, और उसके बाद जहाँ पर गैप्स है वहाँ पर मैं फेविक्विक के ड्रॉप डाल देता हूँ, तो जहाँ भी फेविक्विक गिरेगा वहाँ पर वो हार्ड हो जाएगा, और इस तरह मैं सारे गैप्स फिल कर दूँगा। गैप्स भी तकरीबन फिल हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर सीलर ऐड कर रहा हूँ, जिससे जो छोटे छोटे गैप्स हो गए वो भी तकरीबन फिल हो जाएंगे। यहाँ पर है छोटे छोटे गैप्स है, वो भी तकरीबन इससे फिल हो जाएंगे। तो सीलर का एक लेयर इसके ऊपर ऐड हो चुका है, इसको अभी सूखने देंगे, और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर ख़राब दिख रहा है ऐसा, क्योंकि सीलर ऐड किया हूँ मैंने, तो जब हार्ड हो जाएगा तो सैंडिंग के बाद वो निकल जाएगा। एक कोट सीलर इसके ऊपर लग चुका है, और सैंडिंग के बाद सेकंड कोट अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और सेकंड कोट अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सैंडिंग सीलर। कोट को मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं गैप्स अगर है इसके अंदर तो वो भी फिल हो जाएगी।
हो सकता है जिस तरह मैं लगा रहा हूँ वो गलत टेक्निक हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो ये काम करता हुआ दिख रहा है। कल जो सीलर लगाए थे वो आज यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर फिर से एक और हाथ सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद देखेंगे अगर कहीं पर जैसे ये अनइवन स्पॉट्स दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो फिर थोड़ा सा सीलर ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर फाइनल कोट करेंगे। ये भी सैंडिंग हो गई है और साइड जो यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़े से अनइवन सरफेस दिख रहे हैं मुझे, तो ये अनइवन सरफेस को मैं एक और हाथ सीलर ऐड कर देता हूँ और फिर उसके बाद उसको ड्राई करने रख देंगे। सेकेंड हाथ भी हो चुका है, इसको सूखने के लिए भी रखेंगे हम लोग और कल इसकी सैंडिंग होगी फिर से। और अब बनाते हैं इसका लेग्स, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। लेग्स बनाने के लिए मैंने सोचा था कि हेयर पिन लेग्स जो आते हैं रेडीमेड वो मैं ऑर्डर कर लूँ, कुछ इस तरह के दिखते हैं वो, और अमेजोन के ऊपर मैंने ट्राई किया तो कुछ ज़्यादा ही मुझे महंगे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा वर्जन बना लूँ इस चीज़ का। तो उसके लिए मैंने लिया हूँ ये वाला बार, ये बार है अराउंड 10 mm का और मैं इसको बेंड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको 36 इंचेस के ऊपर मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले और उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा स्लिट करके बेंड कर दो। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे मुझे चार लगने वाले हैं, तो इसको अभी मैं फिलहाल साइड में रख देता हूँ और चार पहले कट कर लेता हूँ। ये चार पीसेस कट होकर रेडी हो चुके हैं, अब मुझे इनका सेंटर मार्क करना है और सेंटर मार्क करने के बाद इनको मैं हाफ कट करके फोल्ड कर दूंगा। तो ये मार्किंग हो चुकी है और अब मुझे यहाँ पे पार्शियल कट करना है। और अब इसको मैं बेंड करता हूँ तो ये कुछ ऐसा लेग बन जाएगा। ये पिंस भी कट होकर रेडी हो चुके हैं और मैंने इनको यहाँ पर जो कॉर्नर है इनका उसको वेल्ड कर दिया हूँ ताकि ये स्प्लिट नहीं हो। और अब इसको इस बेस के ऊपर मुझे वेल्ड करना है, मैं इसी एंगल के अंदर इसको वेल्ड कर दूँगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं वेल्डिंग से। लेग हो गया मेरा, तो पहले मैं चारों को रेडी कर लेता हूँ उसके बाद ग्राइंडिंग करेंगे। वेल्डिंग करके सारे लेग्स रेडी हो चुके हैं, इनको अब क्लीन करना है, तो जो ग्राइंडिंग का प्रोसीजर है वो मैं स्किप कर देता हूँ। ग्राइंड करने के बाद इसको पेंट करते हैं और फिर फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन चारों को मैंने अभी सैंडिंग करके रेडी कर दिया हूँ पेंट करने के लिए और इनके ऊपर अभी एक कोट पेंट कर लेते हैं, मैट ब्लैक पेंट है ये। पेंट हो गया इनको और अब मैं इनको धूप में सूखने के लिए रख देता हूँ। और जब तक हमारा लेग्स का पेंट फाइनल हो रहा है तब तक इसके ऊपर जो सीलर लगाए थे उसी को हम लोग थोड़ा सा सैंडिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर फाइनल कोट जो करना है क्लियर कोट, वो क्लियर कोट अप्लाई कर देते हैं। और जो फाइनल सैंडिंग है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 120 ग्रिट का पेपर और सैंडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। अब इसकी सैंडिंग फाइनल हो गई है, अब इसके ऊपर क्लियर कोट जो मुझे करना है वो अप्लाई करता हूँ मैं। पहले सबसे कपड़े से वाइप कर लेते, जो इसके ऊपर डस्ट है वो निकल जाएगी और ये बैक सरफेस के ऊपर भी थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं। तो जो अप्लाई कर रहे हैं वो है क्लियर लैकर और क्लियर लैकर का पहला कोट अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। पहले बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, पीछे लाइट कोट भी अप्लाई करना है मुझे और अब इसके पीछे भी अप्लाई कर लेते हैं जो मेन सरफेस है। मुझे मेन फिनिशिंग इसी के ऊपर लानी है, अब इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। फाइनल कोट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, अब इसको ड्राई करने रखेंगे और ड्राई होने के बाद इसके लेग्स अटैच करके प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। फाइनल कोट इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है और इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह दिख रही है, अभी बिल्कुल ग्लॉसी हो गया है। अब इसके नीचे मुझे लेग्स अटैच करने हैं। लेग्स अटैच करने के लिए मैं 1 inch के स्क्रू यूज कर रहा हूँ। और अब ये टेबल फाइनल हो चुका है, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी टेबल। लेग्स भी इसके परफेक्टली मैच हो चुके हैं, जहाँ पर इसको रखना है मुझे वहाँ पर मैं इसको लेके जाता हूँ अभी। तो इसको यहाँ पर हमने रख दिया है सेंटर के अंदर और ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी।